हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है प्रतीक और आज हम ह्यूमन इवोल्यूशन को कवर करने वाले हैं आज हम जिस तरह से दिखते हैं हमारा लुक लाइफस्टाइल सोचने का तरीका लैंग्वेजेस एंड कम्युनिकेशन हमारी खाने पीने की चॉइसेस इस तरह की चीजें जो हमें बाकी एनिमल्स से अलग बनाती है सुपीरियर बनाती है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हम समझ चुके हैं कि अर्थ पर मौजूद हर एक ऑर्गेनिज्म इवोल्यूशन का लंबा सफर तय करके इस प्रेजेंट स्टेज तक आ चुका है इवोल्यूशन इज डेवलपमेंट प्रोसेस इवोल्यूशन के साथ ऑर्गेनिज्म में अच्छे बदलाव आते हैं और उन्हें उनके सर्वाइवल के लिए और ज्यादा काबिल बनाते हैं आज हम ये समझेंगे कि ह्यूमन बींग्स में ये इवोल्यूशन कैसे हुआ था किस तरह से हुआ था क्या हमारा इवोल्यूशन के साथ कोई रिलेशन है या नहीं है टॉपिक में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि ह्यूमन्स में ये इवोल्यूशन कैसे हुआ था सो लेट स्टार्ट दोस्तों आज अर्थ पर इतनी बड़ी मात्रा में बायोडाइवर्सिटी हम देख रहे हैं अब हम आज से सात करोड़ साल पीछे जाएंगे 7 करोड़ ago, और स्टेप बाय स्टेप वहां से आज तक की हमारी इवोल्यूशन प्रोसेस समझेंगे सात करोड़ साल पहले अर्थ पर डायनासोर का राज था बट ड्यू टू अन मंकी लाइक एनिमल्स. एनिमल्स मतलब ये कह सकते हैं कि इनका लुक मंकी जैसा हो चुका था फिर कई सालों बाद मीन्स आज से चार करोड़ साल पहले फोर क्रोरियर एगो टेल ऑफ दिस एनिमल्स डिस इन अफ्रीका

दो करोड़ साल पुरानी एप स्पेसिस को देखा जाए तो पता चलता है कि इनका इवोल्यूशन अलग तरीके से हुआ था ये हैंड्स को प्रॉपर तरीके से यूज करने लगे थे गॉट इरेक्ट पोस्टर इन ग्रास लैंड दिस फर्स्ट ह्यूमन लाइक एनिमल्स विद इरेक्ट पोस्टर विच यूजिंग देयर हैंड्स इवॉल्व अबाउट टू एगो रैमापिथेकस एप इज फर्स्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन लाइक एप फ्रॉम ईस्ट अफ्रीका जो आगे चलकर साइज में ग्रो हुए थे एंड इंटेलिजेंट एंड द एप ऑफ साउथ अफ्रीका इवॉल्व अबाउट फोर्टी लैक्स ईयर्स एगो द मॉर्फोलॉजी ऑफ दिस ह्यूमन लाइक एनिमल्स स्टार्टेड टू एपियर लाइक टू बी द मेम्बर ऑफ जेनस होमो अबाउट ट्वेंटी लैक्स ईयर्स एगो एंड देन स्किल्ड ह्यूम डेवलप्ड अबाउट फिफ्टीन लैक्स ईयर्स एगो ह्यूमन वॉकिंग विथ इरेक्ट पोस्चर वॉज इवॉल्व इट मे हैव एग्जिस्टेड इन चाइना एंड इंडोनेशिया ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट यहाँ से आगे एक लाख सालों तक ब्रेन डेवलप होता गया और इसी दौरान फायर की डिस्कवरी हुई सो थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड मैन के पास सफिशियंट डेवलपमेंट थी जिसे क्लास वाइज मैन मीन्स होमोसेपियन कंसिडर किया जा सकता है नियल मैन इज फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ वाइज मैन जिसके बाद क्रोमैग्नॉन इवॉल्व हुआ था अगर हम दस हजार साल पीछे जाके देखेंगे तो वो समय आज के समय से मेल रखता है बिकॉज द एग्रीकल्चर स्टार्टेल कैटल हर्ड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सिटीज यहाँ कल्चर डेवलप होना शुरू हुआ था आर्ट ऑफ राइटिंग हिस्ट्री है यहाँ से आगे की हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन हमें रिटर्न फॉर्म में मिलती है फिर चार सौ साल पहले मॉडर्न साइंस आया इंडस्ट्रियल सोसाइटी अबाउट टू हंड्रेड ईयर एगो इस तरह से हम आज का ये दौर जी रहे हैं स्टील फाइंडिंग द रूट ऑफ ह्यूमन एंड हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम ग्रेविटेशन चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड गिव योर वैल्यूएबल कमेंट्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो